दोस्त अपने पास है स्प्लेंडर गाड़ी, स्प्लेंडर प्लस, तो गाड़ी का हमने बांध देता है इस गाड़ी का इंजन। तो इंजन बांधने के बाद भी गाड़ी में हमें इसमें कमी लगी, जो कि मैं आपको बताऊँ, गाड़ी का हमने इंजन बांध दिया, गाड़ी फर्स्ट क्लास चली, इस गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल ठीक है। पर क्या, क्योंकि गाड़ी मैं 2 दिन से मिल रहा हूँ, तो गाड़ी का इसका माइलेज नहीं आ रहा। दूसरी बात, गाड़ी ऐसे चली इंजन बांधने के बाद भी दबके, काफ़ी घुटी घुटी गाड़ी चल रही है, जबकि जिसमें कि मैंने इसमें कार्बोरेटर इसका सब क्लीन करा, टाइमिंग भी मैंने इसका 2 बार चेक कर लिया, गाड़ी का बिल्कुल फर्स्ट क्लास, इंजन बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, पिस्टन भी ओरिजिनल डाला, वाल सब इसमें डाले, और ऑयल भी हमने इसके अंदर ओरिजिनली डाला, मतलब सब चीज़ में बढ़िया बांधी। पर गाड़ी में क्या कमी है, इस गाड़ी का फिल्टर जो था ये हमने खोलर खोल के साफ करके लगा, मैं नया फिल्टर लगा तो, पर गाड़ी में क्या, इसमें गाड़ी के अंदर ये लोकल फिल्टर डला हुआ, मैंने चेक करा दोबारा, तो इसमें गाड़ी के अंदर ये लोकल फिल्टर डला हुआ, ये अभी डला है, इंजन बदलने से 10 दिन पहले ही डला है, कहीं डलवाया था, जहाँ भी बंदे ने इसकी सर्विस कराई, हमारे दोस्त की गाड़ी है, न कहीं सर्विस कराई हुई, तो मैंने पूछा भाई फिल्टर कहाँ डलवाया, बोले मैंने दिल्ली में डलवाया था, अगर कितने का बोलिया, 50-60 रुपये का ये फिल्टर डलवाया था, ये फिल्टर है लोकल, जिसकी वजह से इस ये ओरिजिनल फिल्टर भी इंजन बदलने के बाद भी क्या है, गाड़ी का इसने बिल्कुल ये समझो पिकअप और माइलेज बिल्कुल ख़त्म कर रखा गाड़ी का। तो यदि आपके पास भी गाड़ी कोई सी भी देखो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर या कोई सी भी गाड़ी हो, 100 cc की हो, चाहे 200 cc की हो, इसमें अगर आपने इंजन बनवा दिया बढ़िया तरीके से, इंजन बनने के बाद भी क्या हुआ, गाड़ी का माइलेज नहीं आ पा रहा या गाड़ी आपकी दबके चल रही है, तो उसके लिए आपको क्या, ये फ़िल्टर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये मैंने ख़रीदा है हीरो का जेनविन फ़िल्टर, या भी लगा इसका फ़िल्टर हीरो का जेनविन। अब मैं करता हूँ इसके पैसों की बात, तो ये ज़्यादा महंगा भी फ़िल्टर नहीं आता, ओरिजिनल ही आप कंपनी से लोगे तो ये 170 रुपये का मिलेगा आपको, फ़िल्टर मार्केट से लोगे तो आपको ये 150 रुपये का फ़िल्टर मिल जाएगा हीरो जेनविन। तो इसमें क्या करना, आपको गाड़ी के अंदर जब भी किस गाड़ी कंपनी का इंजन बनवाओ, आपके पास जैसे कि मान लो टाइम भी नहीं है गाड़ी के लिए, तो इंजन में बस 2 चीज़ का ध्यान रखना आपको, आपके साथ उसे भी हमारे पास टाइम भी नहीं है, सर्विस में ज़्यादा खर्चा था, आपको लगता है हमें इंजन गाड़ी का भी सही रखना, एक इंजन ऑयल और एक एयर फिल्टर, ये तो आप समय पे बदलवाएं और ओरिजिनल बदलवाएं। अब क्या गाड़ी की मैं बताऊं, गाड़ी अपनी ज़्यादा चली भी नहीं है, गाड़ी अपनी 27,446 किलोमीटर गाड़ी चली है, उसके बाद भी इस गाड़ी का फुल इंजन हो गया, मतलब मात्र 27,000 रुपये भी गाड़ी का फुल इंजन हो गया, वो भी किस वजह से हुआ, लोकल इंजन, इसमें इंजन ऑयल डलवाया और इसमें फ़िल्टर भी लोकल ही काम होता, इससे क्या होता फ़िल्टर का मेन काम होता, इसमें क्या रहता है, ये गाड़ी जो इंजन के अंदर एयर जो जाती है, इसमें का एयर नहीं जाती, सिर्फ ओनली पेट्रोल जा रहा था, तो इसकी वजह से एक तो गाड़ी का माइलेज ख़राब होता है, दूसरी बात इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन की जान भी कम होती है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है, सोचते हैं यार सर्विस में ज़्यादा खर्चा आता है मैकेनिक के पास, तो आपको बस 2 ही काम करना है, घर बैठे भी आप सर्विस कर सकते हैं और आपके इंजन की कम से कम 50-60 हज़ार किलोमीटर आपका इंजन चलेगा नई गाड़ी का। मेरी अपनी पैशन गाड़ी है, उसका भी कम से कम बस मैं 2 ही काम करता हूँ, एक इंजन ऑयल टाइम पे 3,000 किलोमीटर में इंजन ऑयल चेंज करता हूँ, और एयर फिल्टर 10,000 किलोमीटर पर आप इंजन ऑयल चेंज कर दें गाड़ी का, इससे आपकी गाड़ी का इंजन जो रहेगा वो फर्स्ट क्लास रहेगा, गाड़ी का एवरेज अच्छा रहेगा, गाड़ी का साउंड अच्छा रहेगा, फिल्टर डलने से आपको माइलेज भी आएगा, गाड़ी खुल के चलेगी और आवाज़ भी गाड़ी की अच्छी रहेगी, स्मूथनेस रहेगी गाड़ी की। इंजन बांधने के बाद भी ये मान लीजिए इतना मैंने सब पैसे लगाने के बाद भी गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा था मुझे खुद चलाने के लिए, तो मैंने डाला इसका अंदर एयर फिल्टर, जो कि 101% गाड़ी की मैं मानता हूँ इसमें जो कमी थी वो सॉल्व हो गई होगी, बाकी मैं गाड़ी चला कर देखूँगा गाड़ी की।